Assalamualaikum guys, क्या हाल हवाल है। My name is हमजा, welcome to my YouTube channel। आज के ब्लॉग में हम आपको मछली के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारे करीबी करतारपुर का नाम आपने लाजमी सुना होगा, तो वहाँ पे करीबी एक मछली फार्म यानी कि ओपन हुआ है, वहाँ पे आपको थोड़ा विजिट करवाएंगे। तो हम वहाँ पे आए हुए हैं, तो ये देखो मछली वगैरह यानी कि छोटी मछली बच्चा जिसे कहते हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। तो जो मछली यानी कि अगर ज़्यादा मकदार में मछली होगी ना, तो वो यानी कि जल्दी ग्रोथ नहीं करेंगे, यानी कि वो बच्चा ही रहेगा। जहाँ पे यानी कि कम मछली होगी, कम बच्चा यानी कि होगा, यानी कि अगर मछली की तादाद ज़्यादा ना, तो वहाँ पे यानी कि ग्रोथ इतनी जल्दी मछली की नहीं होगी। तो जहाँ पे थोड़ी कम मछली होगी, तो वहाँ पे यानी कि मछली की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इससे यानी कि पानी का नमकीन पानी है या मीठा पानी है, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं जिधर जाके ये नाले वगैरह बनाए हुए, वो आगे तालाब वगैरह, तो वहाँ से पानी आ रहा है, वो वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं भाई जान से हमने पूछा था कि वो कह रहे थे कि मछली अगर ज़्यादा मकदार में होगी तो वो इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करेगी, अगर मछली की मकदार कम होगी तो वो यानी कि जल्दी ग्रोथ करेगी। तो यानी कि मछली को ग्रोथ करते करते 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। वो यानी कि जितनी ज़्यादा मकदार होगी उतनी ज़्यादा यानी कि ग्रोथ करने में यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको दिखा दिया कि तालाब वगैरह सारा कुछ, तो ये आप देख सकते हैं सारा व्यू दिखा दिया। गाइस हमने आपको दिखा दिया सारा फार्म वगैरह, मछली वगैरह भी दिखाई है। तो अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।